सबसे पहले तो आपको राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। इतनी कम उम्र में फिल्मों में शुरू करके पहला राष्ट्रीय अवार्ड जीतना आपके लिए कैसा अनुभव है? बहुत ही अच्छा अनुभव है। हर एक एक्टर का एक सपना रहता है नेशनल अवार्ड जीतना, जो मैंने अभी इतनी जल्दी हासिल कर लिया तो बहुत ही खुश हूँ मैं। एक क्या बोलूँ, एक ड्रीम है मेरा कि नेशनल अवार्ड जीतना, वो अभी हासिल हो चुका है। अभी चाहता हूँ कि और भी अवार्ड्स मिलते रहे, नेशनल अवार्ड भी मिलते रहे और भी अवार्ड्स मिलते रहे, ऐसे ही चाहता हूँ। तुलसीदास जूनियर के रूप में आपका प्ले करना रोल कितना चैलेंजिंग रहा? चैलेंजिंग था क्योंकि एक नया स्पोर्ट था उसमें, जो स्नूकर है, तो उसको सीखने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा था क्योंकि एक अलग ही स्पोर्ट है जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, कभी खेला नहीं था, कभी सुना भी नहीं था, तो उसको पोट्रे करना बहुत मुश्किल था। प्लस बाकी तो इतना ज़्यादा था नहीं, बस ये जो एक नया खेल सीखना था वो थोड़ा मुश्किल था बस। इतनी छोटी उम्र में इंडस्ट्री के स्थापित एक्ट्रेस के साथ काम करना और उनसे जुड़े रहना, एक कैसा अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मतलब जो मतलब जिनके भी साथ मैंने अभी तक काम किया, बहुत ही अच्छे से उन्होंने मेरे साथ बातें की है। उन्होंने हमेशा मुझे अच्छी राह दी है, सलाह दी है कि आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, आप इसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सभी जितने भी एक्टर जिनके साथ मैंने काम किया, सब ने मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोटिवेट भी किया है। तो या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आपके आगे के प्लान्स के बारे में, आगे अपकमिंग जो आप कुछ बताना चाहें? जी बिल्कुल, अभी मेरी एक हाल ही में अभी वेब सीरीज़ आएगी, बाकी मेरी अभी एक फिल्म आ रही है रोहित शेट्टी सर के साथ, प्रोडक्शन है उनका, यूनुस साजेवाल सर की राइटिंग है, बच्चा गैंग करके, उसमें मेन लीड मैं ही प्ले कर रहा हूँ, तो वो भी आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक आनी चाहिए। फिर एक पंकज त्रिपाठी सर के साथ है, फिर एक और एक है अभी कोविड डायरीज, एंड एक और एक अभी मैं कर रहा हूँ रणदीप हुड्डा सर की, सत्यमेव वीर सावरकर सर की, तो वो भी आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक आनी चाहिए।